आर सोनी न्यूज खबर आप। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के पठान मोहल्ले में आज पुलिस ने अपनी छापेमारी के दौरान चार वक्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 136 सिम कार्ड, डेबिट कार्ड, लैपटॉप आदि बरामद हुए। चारों वक्ताओं में से दो दिल्ली के रहने वाले हैं जबकि दो जनपद फतेहपुर के रहने वाले हैं। ये लोग बैंक अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी किया करते थे। पुलिस को कई मामलों में शिकायत मिली थी जिसके बाद पुलिस ने एक टीम बनाकर इन चारों को गिरफ्तार किया। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं संजय शर्मा की खास रिपोर्ट। आर सोनी न्यूज संयुक्त अभियान में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग फर्जी बैंक अधिकारी बनकर के इंटरनेट के माध्यम से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से लोगों का पैसा दूसरे खातों में ट्रांसफ़र करा करके ठगी करते थे। इसमें से संजय कुमार और राजू दो व्यक्ति दिल्ली के रहने वाले हैं जबकि मुकेश और जुगराज सिंह नाम के जो व्यक्ति हैं ये फतेहपुर के ही रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 136 सिम कार्ड, 20 डेबिट कार्ड, 11 फोन, एक बाइक, 20 पेज क्रेडिट कार्ड धारकों का विवरण, एक लैपटॉप, एक चेकबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य प्रपत्र बरामद किए गए हैं। इस संबंध में कोतवाली में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विस्तृत जांच की जा रही, साक्ष्य संकलित करके कार्रवाई कराई जा रही है। 21 तरीके से